हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इजी। आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑन द टॉपिक टाइप्स ऑफ सॉइल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल को, उनके एडवांटेजेस को पढ़ेंगे और उस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे एग्जाम में आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर ले, जिससे वो और अच्छी वीडियोस अपने एग्जाम की तैयारी के लिए देख पाए। चलिए फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। व्हाट इज सॉइल? अ सॉइल कंटेन्स वाटर एंड मिनरल्स विच प्लांट्स नीड फॉर हेल्दी ग्रोथ। इसका मतलब है कि सॉइल के अंदर वाटर एंड कुछ मिनरल्स होते हैं जो हमारे प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड एज सॉइल, राइट? मतलब जिस चीज में रॉक के कुछ पार्टिकल्स और ह्यूमस का कुछ कंटेंट है उसको मिला के हम कह सकते हैं सॉइल। सॉइल एक्ट्स एज अ होम फॉर मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने देखे हैं बहुत जगह इंसेक्ट्स, अर्थवॉर्म्स, ये सब सॉइल में रहते हैं, तो दे अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है? एंड द नॉन लिविंग स्केलेटन ऑफ द सॉइल कंसिस्ट ऑफ रॉक पार्टिकल्स, वाटर, एयर एंड ह्यूमस। तो हमारे सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए, हमारे सॉइल को क्रॉप के लिए हेल्दी बनाने के लिए कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल होते हैं, जिसको आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ सॉइल देखते हैं जो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहला टाइप होगा लोमी सॉइल, इसको हम लोम भी कहते हैं। सैंडी सॉइल इज द सेकेंड टाइप। थर्ड टाइप इज क्ले सॉइल। आई थिंक ये आपको तीनों टाइप्स क्लियर है, ठीक है? और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहती हूँ कि ये तीनों टाइप ऑफ द सॉइल हमने बाइफिकेट डिफ्रेंशिएट करे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर। जब हम इस सॉइल को टच करते हैं तो हमें कैसा फील होता है, जैसे कि आप डिफरेंट इमेजेस देख सकते हैं लोमी सॉइल की, सैंडी सॉइल की एंड क्ले सॉइल की, ठीक है फ्रेंड्स? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए सबसे पहला टाइप हम समझते हैं, लोमी सॉइल। नाउ लोमी सॉइल, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये क्या होता है कि इफ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज अबाउट द सेम एंड देन द सॉइल इज कॉल्ड लोमी। मतलब है कि इस सॉइल में हमेशा लार्ज और फाइन पार्टिकल्स मिलेंगे तो हम इसको कहते हैं लोमी सॉइल। ना लोमी सॉइल मेक्स अप अ फर्टाइल लैंड। हमारे खेत को उपजाऊ बनाने के लिए लोमी सॉइल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। दीज लैंड्स आर आइडियल फॉर फार्मिंग एंड अदर एग्रीकल्चरल यूजेस। इसका मतलब है हम यहाँ पे, ये बेस्ट सॉइल होता है जब हम अपना कोई क्रॉप इस पर उगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? चलिए अब हम पढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप जो है सैंडी सॉइल, ठीक है? नाउ सैंडी सॉइल इज द सॉइल विच कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स। देख सकते हैं आप जैसे पिक्चर में बहुत बड़े पोर्शंस हैं पार्टिकल्स के, तो इस सॉइल को क्या बोलते हैं? सैंडी सॉइल, क्लियर? चलिए मैं आपको थोड़ा सा सैंडी सॉइल के बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ। सैंडी सॉइल डू नॉट होल्ड और रिटेन वाटर वेरी वेल। इसका मतलब इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये वाटर को लंबे टाइम तक अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकता। एज अ रिजल्ट इट इज नॉट गुड फॉर ग्रोइंग मोस्ट प्लांट्स। मतलब बहुत सारे प्लांट्स हम इसमें ग्रो नहीं कर सकते। ऑल्सो ह्यूमस एडेड टू द सैंडी सॉइल एक्ट्स लाइक अ स्पॉन्ज अब्सॉर्बिंग एंड होल्डिंग मॉइस्चर एंड एनी न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड इन इट। इसका मतलब है अगर हम ह्यूमस कंटेंट ऐड कर देते हैं सॉइल में, वो स्पॉन्ज की तरह हो जाता है, तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर को एंड कोई भी न्यूट्रिएंट जो उसके अंदर डिसॉल्व होता है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि सैंडी सॉइल में हम प्लांट्स नहीं उगा सकते, हमारे लिए ये सॉइल अच्छा नहीं है, राइट? सबसे ज्यादा पानी पेनिट्रेशन की पावर किसमें होती है? सैंडी सॉइल। ओके, अब हम पढ़ते हैं कुछ बेनिफिट्स। इजियर टू प्लांट इन, इसमें हम प्लांट उगाना हमारे लिए इजियर है लेकिन हेल्दी ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है? रूट्स ग्रो इजिली इन लूज सॉइल, रूट्स को ब्रीथ करने की जगह मिलती है तो वो इजिली ग्रो कर पाती है। हार्डर टू ओवर वाटर, मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा वाटर नहीं यूज करेगा। आपको अभी मैंने बताया इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी वैसी बहुत लो होती है तो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है, बट इसमें सिमिलर, इसका मतलब है कि हम
हार्डर टू ओवर वाटर। ओके, अब आप बढ़ते हैं अपने थर्ड टाइप की तरफ, दैट इज क्लेई सॉइल। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं इसके बारे में आपको काफी डिटेल में बताने वाली हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक करके जरूर जाए एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड जिन्होंने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लेई सॉइल के बारे में। क्लेई सॉइल, आप देख सकते हैं कि इस सॉइल में लिटिल एयर होती है, लिटिल एयर स्पेस है, मतलब छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कीचड़ जैसा लगता है, मतलब क्लेई जैसा लगता है, टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। एंड इसकी डेफिनेशन ये बोलती है कि इफ द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हायर इज कॉल्ड एज क्लेई सॉइल, ठीक है, क्लियर है। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहती हूँ कि क्लेई सॉइल टेंड्स टू स्टिक टुगेदर कॉजिंग वाटर टू फिल अप द एयर स्पेसेस। मतलब जब हम इसमें पानी डालते हैं तो पानी फटाफट खाली जगहें ले लेता है, तो जिसकी वजह से सॉइल चिपकता है। सिंस मॉइस्चर डज नॉट ड्रेन फ्रॉम दिस सॉइल, वेल अभी किसमें मॉइस्चर ड्रेन हुआ था बताइए आप, सैंडी सॉइल में, तो अभी किसमें ड्रेन नहीं होता, क्लेई सॉइल में। तो क्लेई सॉइल इज ऑफन टू वेट फॉर प्लांट्स रूट टू अब्सॉर्ब ऑक्सीजन, एज अ रिजल्ट देयर रॉट मतलब खराब हो जाते हैं। Adding humus to clay soil discourages the small particles from sticking so tightly together, resulting in large spaces run rain water more easily and hold more air. मतलब इसमें air ज़्यादा hold कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि clay soil इतना tightly pack होता है कि इसमें water retention capacity सबसे highest होती है। ठीक है friends, मैंने आज आपके साथ तीन types of soil का discussion किया, clay soil, sand, सैंडी सॉइल एंड लोमी सॉइल। एक बार इस टैबुलर डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेते हैं, ये टैबुलर डिस्क्रिप्शन आपको एग्जाम में बहुत बहुत हेल्प करेगी। कभी आपको एग्जाम में डिस्टिंग्विश करने पे क्वेश्चन आ सकता है, कभी कंपैरिजन करने पे क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने तीनों को इकट्ठे अलग अलग कंपेयर करा है। पढ़ते हैं पहला पॉइंट, क्ले सॉइल में होल्ड्स मोर वाटर, सैंड में एक्सट्रीमली पोरस, वेरी पोरस लोमी सॉइल। क्लेई में स्लो टू अब्सॉर्ब वाटर, मतलब जगह ही नहीं है तो पानी अब्सॉर्ब कैसे करेगा। सैंड में अलाउज क्विक फ्लो वाटर फ्लो, बहुत खुली जगह है तो पानी एग्जाम इजीली आ जाता है। एंड लोमी में रिटेन्स मॉइस्चर, पानी आता है तो उसका मॉइस्चर रिटेन रखता है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, स्लो टू रिलीज वाटर। क्ले सॉइल मैंने आपको बताया चिपक जाता है तो पानी नहीं रिलीज कर सकता, सिमिलरली सैंड में निकल भी जाता है। लोमी में इज एन ऑप्टिमल सॉइल टाइप, ठीक है। नाउ लास्ट पॉइंट इसका कहता है, क्ले सॉइल में डू नॉट अप्लाई द वॉटर फास्टर देन द सॉइल कैन सोक इट इन और वॉटर इन द साइकिल्स, क्लियर, ठीक है। सैंडी सॉइल क्या कहता है, वॉटर इन हाफ इंच इंक्रीमेंट्स टू द सैचुरेट अ सॉइल 6-8 इंचेस डीप, राइट, एंड वॉटर नॉर्मली। मतलब पहला वाला में, क्ले में आपको वॉटर देने की जरूरत नहीं है, सैंड वाले में थोड़ा सा पानी देने की जरूरत है, लोमी में आपको नॉर्मल वॉटर देने की जरूरत है, ठीक है फ्रेंड्स। आई थिंक आपको तीनों टाइप्स ऑफ सॉइल क्लियर हो गए, तीनों की प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई हैं, और तीनों के बारे में आपको पिक्चर्स भी दिखाई है, तो आप देखने में कैसे लगते हैं सॉइल, आप पिक्चर देख के भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब मेरे पास आपके लिए 7 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ये बहुत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने पिक करे हैं, इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच सॉइल वुड हैव द हाईएस्ट परकोलेशन रेट। परकुलेशन रेट मतलब होता है हाईएस्ट वाटर रिटेनिंग, ठीक है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, मतलब कौन सा हो गया, सैंडी सॉइल, राइट। सेकंड, विच सॉइल वुड हैव द लोएस्ट, किस में सबसे कम पानी जाता है, क्लेई सॉइल, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ही अपने आप में स्टिक करता है सॉइल, ओके। थर्ड, विच इज द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए इसको। लोमी सॉइल, मैं आपको यहाँ पे इसका रीजन भी बताना चाहूंगी क्यों ये बेस्ट सॉइल है। देखिए, अगर किसी सॉइल में सैंड है, क्ले है और सिल्ट है, वो बेस्ट सॉइल बन जाता है, और उसका कॉम्बिनेशन क्या है, लोमी सॉइल, क्योंकि द साइज ऑफ द सिल्ट पार्टिकल्स इज बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले। मैंने भी आपको बताया था लोमी सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सैंड सॉइल, सैंडी सॉइल एंड क्ले सॉइल के बीच के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इट हैज अ राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, आपके एग्जाम में भी आता है।
तो ध्यान से इसको समझे, क्यों लोमी सॉइल बेस्ट है, क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है बाकी सॉइल्स के कंपैरिजन में, राइट? ओके, फोर्थ क्वेश्चन, पैडी, राइस एंड वीट आर ग्रोन इन विच टाइप ऑफ सॉइल? आंसर इज क्ले एंड लोमी सॉइल। रिवर्स में भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन क्ले एंड लोमी सॉइल, तो आप बोल सकते हैं पैडी, राइस एंड वीट। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, विच सॉइल इज यूज टू मेक पॉट्स, टॉयज एंड स्टैचूज? क्ले सॉइल, आपने देखा होगा जब कोई स्टैचू बनाता है, ठीक है, तो वो पानी का हाथ एंड थोड़ा सा क्ले सॉइल यूज करते हैं क्योंकि वो इजिली मोल्ड हो जाता है, तो उसमें हम क्ले सॉइल का यूज करते हैं जब पॉट्स, टॉयज एंड स्टैचूज बनाते हैं। आपने देखा होगा विलेजेस में लोग स्टैचूज, पॉट्स, टॉयज बनाते हैं, ऑन द दिवाली यू कैन सी दिया, तो वो क्ले सॉइल से बनते हैं, राइट? ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन, विच इज अ क्रॉप ग्रोन इन लोमी सॉइल? या अगेन इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका आंसर है लेंटिल्स या मसूर, मसूर दाल, यू हैव सीन, इट इज अ टाइप ऑफ पल्सेस। ओके, द लास्ट क्वेश्चन हियर इज, विच क्रॉप इज ग्रोन इन सैंडी लोमी सॉइल? अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन में सिंगल सॉइल नहीं है, कॉम्बिनेशन है दो सॉइल्स का, कौन से दो सॉइल्स का कॉम्बिनेशन है? सैंडी लोमी सॉइल, राइट? सो द आंसर हियर इज कॉटन, राइट? ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टुडे ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स, हाउ डू दिस टाइप ऑफ सॉइल्स लुक लाइक, व्हाट आर द क्रॉप्स ग्रोन इन दीज सॉइल्स, एंड वेरियस डेफिनेशंस ऑफ सॉइल एंड सो ऑन, राइट? अब हम नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे उसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल पढ़ेंगे, राइट? तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आप हमें ढूंढ सकते हैं फेसबुक पे, लर्न ईजी, यू कैन सी दिस लोगो एज एजुकेट, मोटिवेट एंड इंस्पायर, राइट? सो यू कैन फाइंड अस ऑन फेसबुक विद मोर चैनल अपडेट्स एंड फॉर मोर क्वेश्चंस। थैंक यू फ्रेंड्स, okay.